एज चेंजेस ऑफ पेरिडोन्सियम, एज के साथ साथ जिंजाइवा में चेंज। जिंजाइवा जो होता है टूथ को सपोर्ट एवं प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला एपिथेलियम में चेंज, दूसरा हमारे जिंजाइवा का कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस हो सकता है एज के साथ, पीडीएल में चेंज हो सकती है एज के साथ, सीमेंटम एज के साथ ज़्यादा डिपॉजिट होएगा या कम होएगा। अगेन एल्वियोलर बोन जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है। अब देख पा रहे होंगे हमारा ये जिंजाइवा का मार्जिन है, मार्जिनल जिंजाइवा, इसके ऊपर जो है अटैच जिंजाइवा और उसके ऊपर हमारा म्यूको जिंजाइवर लाइनिंग है और एल्वियोलर म्यूकोसा सबसे ऊपर। इस प्रकार जो मार्जिनल जिंजाइवा होता है वो अटैच जिंजाइवा को जोड़ के रखता है और अटैच जिंजाइवा हमेशा एल्वियोलर म्यूकोसा से जुड़ा होता है जहाँ रूट खत्म होती है, टूथ की रूट खत्म होती है। एज चेंजेज ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम में सबसे पहला होता है स्ट्रिपलिंग। आप देख पा रहे होंगे रिड्यूस स्ट्रिपलिंग, धीरे धीरे एज के साथ साथ इसकी साइनिंग, जिंजाइवा की साइनिंग घटने लगती है। बिट्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, जो बिट्थ होती है अटैच जिंजाइवा की, धीरे धीरे एज के साथ साथ डिक्रीज होने लगती है। थिनिंग, पतला होने लगता है जिंजाइवा, और क्रेटिन की जो लेयर होती है वो डिक्रीज होने लगती है जिसके कारण हमारा रूट एक्सपोज हो जाता है टूथ का, और जिंजाइवा में वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है जिससे रेडनेस आ जाती है मार्जिनल जिंजाइवा में। इस प्रकार हम एज चेंजेस ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम देख सकते हैं, एज के साथ साथ ये चेंजेस होते हैं। अब एज चेंजेस ऑफ जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा एज के साथ साथ डिक्रीज होने लगता है। डेंस जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू की सघनता बढ़ने लगती है। जो सॉल्युबल कोलेजन फाइबर होते हैं वो इनसॉल्युबल कोलेजन फाइबर में परिवर्तित होने लगते हैं और एज के साथ साथ बढ़ने लगते हैं। इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस हमारे जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू की मैकेनिकल स्ट्रेस एज के साथ साथ बढ़ने लगती है। इस कारण हम एज चेंजेस ऑफ जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू को देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पीडीएल। पीडीएल जो होता है हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट, जिसकी वेस्कुलरिटी एज के साथ घटने लगती है जिसके कारण हमारा पीडीएल जो होता है या जिंजाइवा जो होता है उसका कलर चेंज होने लगता है। मायोटिक एक्टिविटी मतलब कि सेल डिवीजन घटने लगता है। नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कम होने लगते हैं। कोलेजन फाइबर वो भी डिक्रीज होने लगते हैं। अब वेस्कुलरिटी घटेगी तो वहाँ पे उसका चेंजेस होएगा, जिंजाइवा का कलर चेंज होएगा। मायोटिक एक्टिविटी घटेगी तो हमारे नए सेल नहीं बन पाएंगे जिसके कारण जिंजाइवा धीरे धीरे घटने लगेगा और हमारा रूट एक्सपोज होने लगेगा। नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट घटेंगे तो फाइब्रोब्लास्ट घटेंगे तो फाइबर्स बनना कम हो जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जिंजाइवा है धीरे धीरे घटने लगा है, रिसेशन होने लगा है, जैसे टूथ की रूट एक्सपोज हो रही है या हमारा सर्वाइकल पार्ट जो होता है टूथ का वो दिखने लगता है, गैप बन जाती हैं जिंजाइवा में। अब हम आगे देखेंगे सीमेंटम, एज के साथ साथ सीमेंटम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सीमेंटम डिपोजिशन, एज के साथ साथ सीमेंटम की डिपोजिशन बढ़ने लगती है, सीमेंटम डिपोजिट होने लगता है, वो नॉर्मल बिट से 5 to 10 times ज़्यादा डिक्रीज बढ़ने लगता है डिपोजिशन। इंक्रीज द सरफेस इरेगुलरिटी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे एज बढ़ेगी तो हमारा जिंजाइवा जो होता है जिंजाइवा के सर्वाइकल पार्ट में इरेगुलरिटी बढ़ने लगेगी और मिनरल कंट्रोल्स कमज़ोर होने लगे जिससे मिनरल का डिपोजिशन एज के साथ साथ बढ़ने लगता है। इस प्रकार सरफेस इनरेगुलरिटी और मिनरल डिपोजिशन बढ़ेगा, सीमेंटम डिपोजिशन बढ़ेगा एज के साथ साथ, सीमेंटम में ये चेंजेस हो सकते हैं, होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा एल्वियोलर बोन में क्या क्या चेंजेस होती हैं एज के साथ साथ। एल्वियोलर बोन में चेंजेस हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो एज चेंजेस ऑफ द एल्वियोलर बोन, एल्वियोलर बोन में ऑस्टियोपोरोसिस देखा जा सकता है। एज के साथ साथ हमारा जो बोन होता है उसका उसमें छेद होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वेस्कुलरिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। एज के साथ साथ हमारी बोन हीलिंग कैपेसिटी कमज़ोर होने लगेगी और एल्वियोलर बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पीडीएल से अटैच बोन कमजोर होने लगेगी, इसलिए हमारे पीडीएल को अटैच होने के लिए सरफेस नहीं मिल पाएगी बोन के लिए, वैस्कुलरिटी कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण हमारा दांत जो होता है उसका कलर चेंज होने लगेगा, जिंजाइवा का डिक्रीज हीलिंग नहीं हो सकती है। तो किसी भी चोट जिंजाइवा में किसी भी चोट लगने के कारण उस पार्ट का हीलिंग नहीं हो सकता, और एल्वियोलर बोन्स जो होती है वो फ्रैक्चर होएगी, फ्रैक्चर होने के कारण जो हमारा पीडीएल अटैच नहीं हो पाएगा, जिससे जो हमारा टूथ होगा एल्वियोलर सॉकेट में मूव करता है, इसमें से मोबिलिटी जो होती है बढ़ जाएगी एल्वियोलर बोन में। इस प्रकार हम एज चेंजेस ऑफ पेरिडोन्सियम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। बेसिकली यदि हम चेंजेस की बात करें तो हमारा चेंजेस जो होता है जिंजाइवल एपिथीलियम में चेंजेस देख लिए हैं हमने, इसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू में चेंजेस देखे हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देन इसके बाद हमने देखा कि पीडीएल हमारा क्या रोल अदा करता है एज चेंज होने के साथ साथ, और सीमेंटम का क्या रोल है, देन इसके बाद हमने देखा कि एल्वियोलर बोन किस प्रकार रोल अदा करता है एज चेंज होने के साथ साथ, कि पीडीएल हमारा कैसा होना चाहिए एज के साथ साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।